स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो 11th एंड 12th सभी क्लासेस में यूज होती है। वो प्रॉब्लम है लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल, फॉर एग्जांपल, किसी न्यूमेरिकल में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग केसी, या फिर हम कह सकते हैं पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम H3O प्लस कंसंट्रेशन एंड वी आर गिवन लॉग एच इक्वल टू माइनस पीएच इक्वल टू माइनस 4.32। एग्जांपल नंबर 1 में ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है और हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारे सामने डेल्टा जी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो लॉग केसी की वैल्यू हमारे सामने आई है सॉल्व करने के बाद 3.2391। तो सबसे पहले एक तो हम इसको स्टडी करेंगे और दूसरा एग्जांपल हमारे सामने आएगा जो कि पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें कि एंटी लॉग हमें माइनस का देखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग केसी इक्वल टू 3.2391 की वैल्यू को देखना। इसके लिए एंटी लॉग देखते समय लेफ्ट का जो भी टर्म होगी दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.2391 को एंटी लॉग टेबल में जो कि 0.00 से 0.99 तक है लेफ्ट में और यहां पर है 0 से लेकर 9 तक और ये है मीन डिफरेंस लेफ्ट की टू टर्म्स। 0.23 के सामने ये जो वैल्यू आएगी 9 ये हमें इस कॉलम में देखनी है। 0.23 को हमें इस कॉलम में देखना है और ये जो 1 है उसको हमें यहां देखना है। तो 0.23 को हमने 9 में देखा, 9 इस वैल्यू को हमने चेक किया कि यहां कितनी वैल्यू लिखी हुई है। 1 के लिए हम इस मीन्स डिफरेंस पे देखेंगे और यहां पर 1 के नीचे जो 0.23 के सामने कॉलम आता है इसको देखेंगे। दोनों को हमने कर दिया प्लस। प्लस करने के बाद सपोज ये 0.2391 की वैल्यू आ रही है 3413 और एक नंबर लेफ्ट में छोड़ के हमने लगा दिया डेसिमल। के सी इज इक्वल टू 3.413 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये है एंटी लॉग देखना। अब हम एग्जांपल लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। फॉर दिस एग्जाम्पल लॉग H3O प्लस और इसकी वैल्यू माइनस में है और हमें इसका एंटी लॉग माइनस टर्म के लिए देखना है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी लॉग टेबल हम केवल पॉजिटिव के लिए देख सकते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और उसके वैल्यू होगी लॉग H3O प्लस तो माइनस 4.00 माइनस 0.32 के इक्वलेंट है ये टर्म। अब हम इसमें एक बार माइनस 1 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे और एक बार पॉजिटिव 1 माइनस 5 और ये टर्म हो जाएंगी पॉजिटिव में। हम 1 में से 0.32 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.68। ये वैल्यू नेगेटिव में है और ये वैल्यू पॉजिटिव में है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 बार पीछे की जो टर्म है वो है पॉजिटिव में। हमें 0.68 का एंटी लॉग देखना है। 5 बार एज इट इज 10 टू द पावर माइनस 5 कर देंगे तो 0.68 का मीनिंग है 0.00। तो इस वैल्यू को देखने के लिए अब हम जाएंगे एंटी लॉग टेबल में। यहां हमारे सामने वैल्यू है 0.6800। इसका हमें एंटी लॉग देखना है 0.68 को हम देखेंगे यहां 0 पर। इस वैल्यू को हम नोट करेंगे और नोट करके हम यहां पुट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल 6598। अब एक पॉइंट लेफ्ट में छोड़ के 6.598 10 टू द पावर माइनस 5 बन जाएगा आंसर। ये ध्यान रखिए कि डेसिमल के लेफ्ट में जहां जो भी टर्म होगी एंटी लॉग लेते समय वो 10 की पावर्स बन जाएंगी और डेसिमल के राइट साइड में जो टर्म्स हैं उनको हम एंटी लॉग टेबल में देख सकते हैं। एंटी लॉग टेबल को स्टडी करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। एंटी लॉग टेबल
जो टेबल आप सामने देख रहे हैं इसमें एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में 0.00 से स्टार्ट होकर ये 0.99 तक जाती है। दूसरी तरफ वर्टिकल कॉलम्स में 0 to 9 नंबर्स हैं और मीन डिफरेंस में 1 से लेकर 9 तक। किसी भी नंबर के जिसका हमें एंटीलॉग लेना है उसके फर्स्ट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में हम एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट पॉइंट वैल्यूज को देखेंगे, थर्ड नंबर डिजिट को हम वर्टिकली कॉलम में देखेंगे और फोर्थ डिजिट को हम देखेंगे मीन डिफरेंस में। एक एग्जांपल के फॉर्म में हमें एंटीलॉग लेना है 5.2345। समझेंगे इसको कि एंटीलॉग लेते टाइम डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होगा दैट विल बी 10 to the power, तो हम बना दिए 10 to the power 5। अब हमारे पास है केवल नंबर 0.2345। इसका एंटीलॉग लेने के लिए हम 0.23 की वैल्यू जो कि एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में हो है, इसको 4 कॉलम में देखेंगे। 4 कॉलम में इसकी वैल्यूज है 1714, इसको आप देख सकते हैं। एंड देन इसी वैल्यूज के लिए 0.23 के लिए मीन डिफरेंस में हम 5 की वैल्यू चेक करेंगे जो कि इक्वल है 2। इन दोनों वैल्यूज को सम करके हम लिख देंगे 1716। अब एंटीलॉग लेते टाइम हमें केवल एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा ये नंबर आएगा 1716, इसमें एक नंबर लेफ्ट में छोड़ के हम एक डेसिमल लगाएंगे और बन जाएगा हमारा आंसर। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। जब हमें पॉजिटिव टर्म का एंटीलॉग लेना है तो बड़ा सिंपल है, इसी वे में होगा। लेकिन अगर हमें एंटीलॉग नेगेटिव टर्म का लेना है तो उसके लिए हमारा मेथड अलग होगा। जैसे हमें एंटीलॉग लेना है -4.42 का, कोई भी टेबल में माइनस का कोई एंटीलॉग नहीं मिलता है, तो इसलिए इस नंबर को पहले तो हम पॉजिटिव टर्म में चेंज करेंगे जिसका हम एंटीलॉग ले सके, और उसके लिए पॉइंट ध्यान रखेंगे कि -4.42 का मीनिंग है -4.00 -0.42। अब इस वैल्यू में हम दोनों टर्म्स के लिए एक बार माइनस लिखेंगे 1 और एक बार प्लस 1। अब हमारे पास माइनस के हो गए 5 और प्लस के 1 में से हम माइनस कर लेंगे 0.42 को, तो हमारे पास वैल्यू हो गई -4.42 के लिए -5.0 प्लस 0.59। तो टोटल हो गया, माइनस को हम लिखते हैं बार टर्म में 5 बार 0.58। तो 5 बार मींस ये नेगेटिव, राइट साइड में 0.58 पॉजिटिव है। तो हम इसका आंसर लेते टाइम 10 to the power -5 हो जाएगा डेसिमल के लेफ्ट टर्म, 10 to the power -5। अब हम 0.58 को जीरो में देखेंगे, 0.58 की जीरो में वैल्यू है 3802। तो हमने प्लेस किया 3802 into 10 to the power -5। अब हम एक नंबर डेसिमल के लेफ्ट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे और वैल्यू हो जाएगी 3.802 10 to the power -5। नहीं, थैंक यू।